तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इंदौर के चटपटे चटोरे, लाजवाब जायके, तरह तरह के खानों और तरह तरह की चीजें। तो उससे पहले अगर आप वीडियो में नए हो तो पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं इंदौर के चटोरे लाजवाब जायके। यार फाइनली फूडी मूडी एंटरटेनमेंट ऑफिशियल टीम जा पहुंची आप लोगों के इंदौर शहर में। जी हाँ, आज मैं समय खड़ा हूँ इंदौर शहर के 56 मार्केट में। आपकी बहुत रिकमेंडेशन आ रही थी कि आप 56 मार्केट जाइए, इंदौर जाइए, वहाँ की वीडियो कवरेज करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत बड़े बड़े फूड मिलता है वहाँ पे। तो आज हम लोग की टीम पहुँच चुकी है, फूडी मीडियो इंटरनेशनल टीम जा पहुँची है इंदौर फूड एक्सप्लोर करने के लिए। बढ़िया, आपको सब बताएंगे क्या रेट है, क्या प्राइसेस हैं, कौन कौन से शॉप बढ़िया हैं, आपको लोकेशन क्या कैसे पहुँचोगे। उससे पहले एक बार कह दूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इंदौर फूड जर्नी। जैसे कि आप लोग देखते हो जो मार्केट है मेरे राइट हैंड साइड पे, ये पूरा जो मार्केट आप लोग देख रहे हो, ये यहाँ पे 56 स्ट्रीट मार्केट है। आपको बता दूँ यहाँ पे पूरी है 56 शॉप्स हैं, ये बहुत बड़ा मार्केट है, सारी 56 शॉप जो है खाने की है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 56 मार्केट में मुझे दुकान मिली है। यहाँ पे ट्विस्टर बनाते हैं, ये क्या चीज़ बना रहे हो आप? ये पोटैटो ट्विस्टर बनाइए। तो आप देखते हैं पोटैटो ट्विस्टर बना रहे हैं, बता दे रही क्या क्या करते हो अभी, क्या डॉलर उस पर बता रहे हो अभी, क्या डॉलर उस पर? ये पोटैटो ट्विस्टर है, ये कॉर्न फ्लोर वगैरह का। अच्छा, तो आप देखते हो ये पोटैटो ट्विस्टर के ऊपर कॉर्न फ्लोर का घोल है एक तरीके का, उसमें घोल में डालते हैं। ये घोल को एक्सप्लेन करिए थोड़ा अपना भैया, क्या क्या चीज़ रहती है इसमें घोल में? कॉर्न फ्लोर रहता है। कॉर्न फ्लोर रहता है और बस कॉर्न फ्लोर रहता है। कॉर्न फ्लोर रहता है और इसमें कलर रहते हैं आपके, फूड कलर रहता है। तो आप देखते हो ये कुछ यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पे, और पोटैटो वेजीज उसके बाद इसको फ्राई करते हैं, आप देखते हो उसके बाद इसको फ्राई कर रहे हैं। ये आप बताइए जो आपको पोटैटो वेजीज रहता है, सॉस में कॉर्न फ्लोर रहता है और बहुत सारी चीज़ रहती है। अच्छा, उसके बाद आप लोग देखते हो कि इसको फ्राई कर रहे हैं यहाँ पे, और ये बहुत बड़ा चीज है। ये कितनी देर में बनके तैयार हो जाती है? ये 2-3 मिनट लगता है इसको बनने में, 2-3 मिनट होने में इसको 3 मिनट लगता है। अच्छा, फ्राई होगा फिर उसका हम ऑयल पूरा सोक करेंगे, उसके बाद फ्लेवर डालते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे फ्लेवर भी है इसमें, ये सारे फ्लेवर हैं आप देख लीजिए। तो आप देखते हो अपनी शॉप का नाम बताइए पहले, तो क्या है? यंग तरंग 56 दुकान, पोटैटो ट्विस्टर बाई यंग तरंग। अच्छा, 56 स्ट्रीट पड़ती है ये? हाँ। तो कितने टाइम पुरानी शॉप है आपकी है? ये दुकान तो जब से 56 है जब से है, लेकिन ट्विस्टर इंदौर में फर्स्ट यहीं पे आउटलेट से यहीं से चालू हुआ। आपने स्टार्ट किया था पहले, तो आप ये चीज मिलती है? सब मिलता है। तो आप देखो इन्होंने स्टार्ट किया था जब 56 शुरू हुआ था, उन पे ये चीज मिलती है। टाइमिंग क्या है आपके यहाँ का? सुबह वैसे दुकान तो 6 बजे चालू हो जाती है। अच्छा अच्छा, ये आउटलेट हमारा स्टार्ट होता है पोटैटो ट्विस्टर का। चलिए ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्विस्टर बना रहे हैं और डाल दीजिए। तो आप देखते हो कि हमारा अच्छी तरीके से सेक रहा है, और इसकी टेस्टिंग आपको बताएंगे पूरी तरीके से। अल्टीमेटली भाई एक चीज़ है क्या और कितनी देर में बनकर तैयार होने वाला भी? तो बस आप लोग देख सकते हो कि हमारा ये पोटैटो जो है ये इस तरीके का कुछ बन के तैयार हो चुका है। अब देखते हैं इस पर क्या चीज़ डालते हैं और कैसे आपको हमें सर्व करेंगे, क्योंकि अभी तो ये बड़ा हॉट होगा। और अब देखते हैं कि इन्होंने अच्छी तरीके से सेक लिया इसको, इन्होंने अच्छी तरीके से सेक लिया, सेकने के बाद अब ये कुछ डालोगे उसके ऊपर भी? आप क्या चीज़ डालते हो बताइए? ये पहले इसको टिश्यू से हम उसको जितना भी इसका ऑयल है पूरा ऑयल साफ करें। तो आप देखते हो ये भैया ने बढ़िया काम करा कि यार सारा ऑयल एक्सेस ऑयल निकाल लिया, जिससे कि भाई ऑयल ना आए मुँह में, वरना तो तेली तेल मुँह में आएगा। हाँ बताइए भैया, ये क्या डाल रहे हो आप इसमें? मसाला आता है, पेरी पेरी मसाला डालते हो? तो आप देखते हो कि पेरी पेरी मसाला डाल रहे हैं पोटैटो फ्राइज के ऊपर। ये कुछ यूनिक चीज़ है यार, बाकी छोले भटूरे दही बड़े तो हमने जगह खाए हैं, बट ये चीज़ नहीं खाई होगी। तो आप लोग देखते हो कि ये बना रहे हैं यहाँ पे पोटैटो, पोटैटो क्या है इसका नाम पूरा? पोटैटो ट्विस्टर। देखिए पोटैटो ट्विस्टर बन रहा है, देखिए अब ये पूरा अच्छे तरीके से मसाला डाल दिया। बस से सोचिए भाई कि ये मसाला डालने के बाद, तलने के बाद, इस चीज़ में डिप करने के बाद अल्टीमेटली इसका टेस्ट कैसे आने वाला है। लग तो रहा है कि भाई चीज़ में दम तो होगा कुछ, खा के आपको बताते हैं कि अल्टीमेटली ये है क्या। ये क्या डाल रहे हो भैया आप? म्योनीज डाल रहे हो? तो आप देख सकते हो यार भाई म्योनीज की गार्निशिंग करी जा रही है ट्विस्टर के ऊपर। ये कौन सी डाल रहे हो भैया? मेल्टेड चीज है सर। मेल्टेड चीज डाल रहे हो? तो यार आप देख सकते हो कि मेल्टेड चीज डाल रहे हैं भैया। ये चीज जरूर ट्राई करिए 56 मार्केट में, आपने ट्राई करिएगा आप यहाँ पे 56 मार्केट में। कुछ दुकान नाम? यंग तरंग 56 दुकान। देख सकते हो कि ये जो ट्विस्टर है पोटैटो ट्विस्टर या पोटैटो स्लाइडर आ चुका है। आप देखिए पोटैटो पोटैटो चीज स्लाइडर आ चुका है मेरे पास, कितना बड़ा लग रहा है। आप देखिए इसकी म्योनीज कितनी बड़ी लग रही है इस पे, कितने बड़े। तो यार आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास ये पोटैटो, क्या आपने कभी खाया है? नहीं खाया ना? पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर वीडियो पूरा देखिएगा तो और देखने में वीडियो मज़ा आएगा। क्या आपने कभी खाया ये पोटैटो ट्विस्टर चीज़ स्लाइडर? नहीं खाया होगा, तो ऐसी यूनिक कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो यार आप लोग देख सकते हो कि ये पोटैटो ट्विस्टर चीज़ स्लाइडर है मेरे पास, ये हमने 56 मार्केट से लिया है। और आप लोग देख सकते हो कि इन्होंने क्या करा है, इसमें पूरा पोटैटोज हैं, ये सारे पोटैटोज हैं। पोटैटोज पे इन्होंने अच्छी तरीके से उस पर इन्होंने अपना एक पेस्ट डाला है, मिक्सचर डाला है, मिक्सचर को अच्छी तरीके से उसमें पुट किया है पोटैटोज पे,
उसके बाद इन्होंने क्या करा, उसको फ्राई कर दिया। फ्राई करने के बाद उसमें अच्छी तरीके से इन्होंने, आप लोग देख सकते हो कि अच्छी तरीके से इन्होंने उसमें अपना मसाला डाला है। मसाला डालने के बाद उन्होंने उसमें अच्छी तरीके से इसमें मेयोनीज डाल दिया, जो कि आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से डांस करती हुई है। तो यार देखने में ये चीज़ बहुत यूनिक है, टेम्पटिंग है, मस्ट ट्राइबल चीज़ है। छप्पन मार्केट इंदौर में बहुत बड़ा चीज़ है। तो चले वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। आप देखते हैं लाइक करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमसे कैसे मिलोगे यार, जरूर सब्सक्राइब करिए। अब खाते हैं, आपको बताते हैं कि भाई अल्टीमेटली ये है क्या। मैं सोच रहा हूँ पहले खाऊँ कैसे से, देखने में बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है खाने में। कैसे मतलब मेरे पूरे मुँह में आ भी पाएगा, नहीं आ पाएगा, ये लगता तो नहीं आ रहा पाएगा, बट ट्राई करूँगा मैं पूरा। तो चलिए मैं इसके ट्राई करता हूँ टेस्टिंग, और आपको बताता हूँ कि भैया है कैसा ये, इसे खाया कहाँ से जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटैटोज आ रहा है, इसकी टेस्टिंग करते हैं, आपको बताते हैं कैसे। मैं आपको बताऊँ, चीज़ बढ़िया है, यूनिक चीज़ है, टेम्पटिंग चीज़ है। पोटैटो बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं, पोटैटो उसमें बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। जो पोटैटो है ना, आलू है, बहुत अच्छे से सिक चुका है। जो उन्होंने इसमें मसाला डाल के दिया ना ऊपर से, उससे क्रंची फ्लेवर आ रहा है। मेयोनीज़ उसको मेल्ट कर रही है, स्मूथ फ्लेवर दे रही है। ज़रूर खाइए, ज़रूर ट्राई करिए, बहुत बढ़िया है, A1 क्वालिटी। और मैं तो उसे खा रहा हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली फूड ब्लॉगिंग वीडियोज़ में। रिकमेंड कर देना और कौन कौन सी फूड प्लेसेज हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर, जो हम जाके उसकी ब्लॉगिंग करें, कवर करें। सो जब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।